नम विवेकानंद विवेकानंदसूर सच्चे स्वरूपाय स्वामिने तापहारिने स्वामिने तापहारिने मेरे प्रिय भाइयों और बहनों नमस्कार आज एक हम नए सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं सुख से जियो या हिंदी में होगी और महीने में इसके ऊपर हम दो क्लासेस लेंगे सुख से जियो बीस से पच्चीस मिनट तक की एक लेक्चर होगा एक व्याख्यान होगा और ऐसी हमारी सीरीज़ चलती रहेगी और हमारा विषय क्या है सुख से जियो आज हम इस विषय के ऊपर सिर्फ आपको पांच बातें बताएंगे, पांच सूत्र बताएंगे और अगर इस पांच सूत्र को हम आचरण करेंगे तो जरूर हमारा दुख कम होगा हमारा सुख जरूर बढ़ेगा ऐसे हम आगे आगे देखते जाएंगे कि हमारे सुख में कैसे वृद्धि हो जाती है और हमारा दुख का कैसे कम कम होते जाता है ये हम आगे अवश्य देखेंगे अगले क्लास जो है उसमें और कुछ देखेंगे तो पहला सूत्र क्या है अप्रिय सत्य सुनने पर भी विचलित न होना पहला सूत्र है अप्रिय सत्य सुनने पर भी विचलित न होना अप्रिय सत्य सुनने से आदमी विचलित होता है ये तो स्वाभाविक है आप बोलते कि विचलित नहीं होना अगर हम विचलित हुए तो क्या होगा देखो भाई हम अगर विचलित हो गए ना तो क्या होगा हमारे मन में क्रोध आएगा आएगा क्या नहीं समझो आप ऑफिस में गए और ऑफिस में आप दफ्तर में शराब पीकर गए और आपका जो अधिकारी है उसने कहा कि अरे तुम शराब पीकर ऑफिस में आए हो अभी आपने तो शराब पी है सत्य है ना सत्य है अधिकारी ने बोला वो भी सत्य है कि तुम शराब पीकर ऑफिस में आए हो लेकिन आप मानते नहीं है देखिए नहीं सर मैं शराब पीकर बिल्कुल नहीं आया हूँ। तुम कितने भी कहो लेकिन तुम्हारे मुँह मुंह मुँ से तो गंदा आ रही है शराब की ये तो तुम छुपा नहीं सकते फिर क्या होगा क्रोध आएगा आर्गुमेंट होगा उससे मन में अशांति होगी दुख बढ़ेगा अप्रिय अगर अप्रिय सत्य है लेकिन उस समय भी आपको शांत रहना है आपको विचलित नहीं होना है आपने माँ बाप ने आपको लैपटॉप लेकर दिया पढ़ाई करने के लिए ऑनलाइन स्टडी करने के लिए और आप उसमें देख रहे हैं मूवी सिनेमा अगर माँ बाप ने जान लिया कि तुम तो पढ़ाई नहीं करते तुम तो मूवी देखते हो तो आपको बोलेंगे अरे तुम क्या कर रहा इसके लिए तुमको लैपटॉप दिया है क्या तुम छुपाना चाहोगे नहीं नहीं मैं कहाँ देख रहा था मैं तो पढ़ाई कर रहा था और आप गुस्सा भी करेंगे लेकिन देख लिया है माँ बाप ने आप तुम क्या कर रहे हो देख लिया है कितने भी छुपाने की कोशिश करो छुपा नहीं सकते परीक्षा में तुम फेल हो गए क्यों फेल हुए अगर रात दिन पढ़ाई करते हैं तो फेल क्यों हो गए अगर ये सत्य अप्रिय है फिर भी हमें मानना चाहिए अगर हम उससे विचलित हो जाते हैं तो हमारा दुख ही बढ़ता है अगर हमें मालूम है कि ऐसा हमने किया है ये सत्य है लेकिन हमने किया है तो विचलित नहीं होना कभी कोई हो सकता है कि आपका बहुत करीब का कोई रिश्तेदार मर गया हो आपकी जिसके साथ शादी तय हो गई है उस लड़के पर तुम प्यार करते हो प्रेम करते हो शादी तय हो गई लेकिन वो तो अपघात में मर गई अगर वो बात में सुनेगी आप सुनेंगे तो क्या होगा आपको शौक बैठेगा अगर आप विचलित हो गए तो आप पागल भी हो सकते सारा जीवन नैराश्य में जा सकता कुछ भी हो सकता क्योंकि वो तो सत्य है वो अप्रिय सत्य है लेकिन वो सत्य है कि वैसा हुआ है अभी उसको सहन करना पड़ेगा अगर हम अप्रिय सत्य सुनने से विचलित हो जाते हैं तो जीवन में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है इसलिए हमें अप्रिय सत्य सुनने पर भी हमारे मन को शांत रखना चाहिए यही है सुख प्राप्ति का मार्ग पहला दूसरा क्या है कोई कितने भी कष्ट दे उनके प्रति मन में द्वेष भाव न रखना उनके प्रति मन में द्वेष भाव न रखना अगर कोई हमें कष्ट दे तो उनके प्रति हमारे मन में द्वेष भाव नहीं रखना है द्वेष भाव रखने से क्या होगा किसी ने हमको कष्ट दिया और हमारे मन में हमने वो रख दिया तो हमारे मन के अंदर एक ग्रंथि पड़ जाएगी एक ग्रंथि उसको गाठ बोलते हैं। वो गाठ पड़ेगी एक नया संस्कार बनेगा वो संस्कार कैसा रहेगा बुरा रहेगा क्योंकि उस आदमी ने आपका अपमान किया है इसलिए आपके मन में उसके बारे में द्वेष की भावना है आप जब भी उस व्यक्ति को देखेंगे आपके अंदर से गुस्सा निकल आएगा कभी कभी आप उसका बदला लेने के लिए भी सोचोगे देखो तुम्हें उसने तकलीफ दिया है कष्ट दिया है अपमान किया है लेकिन तुमने प्रतिकार नहीं किया उसका द्वेष किया हम कह सकते हैं कि वो हमको कितना भी कष्ट देगा और हम क्या चुपचाप बैठे रहेंगे हम सब सहन कर लेंगे वैसा नहीं है हमें प्रतिकार करना चाहिए अगर हमें कोई कष्ट देता है तो अवश्य हमें प्रतिकार करना चाहिए नहीं तो वो तो हमारे सिर पर बैठ जाएगा लेकिन प्रतिकार करना और द्वेष करना ये दो बातें अलग अलग हैं देखो हमारे भारत के ऊपर ब्रिटिशों का राज्य था इंग्रजों का राज्य था महात्मा गांधी जी ने प्रतिकार किया असहकार्य आंदोलन उन्होंने चलाया असहयोग उनको सहयोग नहीं करना कॉपरेशन नहीं करना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन चलाया माने इंग्रजों का प्रतिकार किया लेकिन उनका द्वेष नहीं किया देखो यही तो बड़ी बात है उनके प्रति गांधी जी के मैंने द्वेष की भावना नहीं थी मैत्री की भावना थी लेकिन उन्होंने प्रतिकार अवश्य किया हमें प्रतिकार करना चाहिए लेकिन उस व्यक्ति के बारे में हमारे मन के अंदर ग्रंथि नहीं निर्माण करना चाहिए अगर हम हमारे मन के अंदर वो ग्रंथि निर्माण करते हैं, संस्कार निर्माण करते हैं तो वो व्यक्ति हमारे मन में बैठ जाएगा वो तो भूल जाएगा लेकिन हम नहीं भूल सकते सारा जीवन हम उसको याद रखेंगे कि इसने हमारा अपमान किया था उसको मैं देख लूँगा उसका बदला लूँगा इससे उस उसकी कोई हानि नहीं हो रही हानि तुम्हारी हो रही है इसलिए याद रखना कि कोई कितना भी तकलीफ दे तो भी उसका द्वेष नहीं करना और दूसरी बात क्या है अरे भाई सबके अंदर तो परमेश्वर है जो राम दशरथ का बेटा वही राम घटघट में लेटा अगर सबके अंदर परमेश्वर है परमात्मा है तो हम क्या उसका द्वेष करेंगे वो गलती से हमने किसी किसी ने कुछ बोल भी दिया हो बोल सकता है कोई कोई किसी ने बोल दिया तो हम क्या उसका सारा जीवन उसके ऊपर हम क्रोध रखेंगे उसका द्वेष करेंगे ये तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि सबके अंदर भगवान है सबको प्यार करो किसी का भी द्वेष नहीं करो क्योंकि द्वेष करने से हमारी क्षति होती है हमारी हानि होती है इसलिए ये दूसरा सूत्र भी याद रखना कोई कितने भी कष्ट दे उनके प्रति मन में द्वेष भाव न रखना उनके प्रति मन में द्वेष भाव न रखना तीसरा सूत्र क्या है गलती होने पर माफ़ी अवश्य मांग लेना गलती होने पर माफ़ी अवश्य मांग लेना अगर हमारे हाथ से कुछ गलती हो गई तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए बोलेंगे हमने तो गलती की है नहीं हम क्यों माफ़ी मांगेंगे आपने गलती नहीं की है ये आपको प्रूव करना पड़ेगा उसका प्रमाण दिखाना पड़ेगा आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने नहीं गलती की करके आपने गलती की है ये आपको मालूम है आप वहाँ ऑफिस में जाके, ऑफिस में बाथरूम में जाके, एक एक घंटा फ़ोन के ऊपर बात करते हैं आपके अधिकारी ने सुन लिया है और जब बोला कि अरे तुम बाथरूम में जाके एक घंटा तुम फ़ोन के ऊपर बात करता है काम नहीं करता गलती हो गई ना तो माफ़ी तो मांगनी चाहिए कि हाँ साहब मेरे से गलती हो गई तुम अगर माफ़ी मांगोगे क्षमा चाहोगे तो क्या होगा सामने वाला खुश होगा तुम्हारा अहंकार कम हो जाएगा नहीं तो तुम कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करोगे तुम बोलोगे कि मैंने जो किया है वही ठीक है वही सच है मैं नहीं बदलूँगा तुम जीवन में कभी बदल नहीं सकते जो आदमी अपनी गलती स्वीकार करता है माफ़ी चाहता है वो आदमी अपनी, अपनी गलती सुधार भी सकता है अगर आप अपने गलती को स्वीकार ही नहीं करते तो आप सुधारने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो आप जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे आपका अहंकार बढ़ेगा आप में नम्रता कभी नहीं आएगी सब समय आप बोलेंगे कि मैं मैं जो का है वही सच है इसलिए अगर गलती है मान लो हमने गलती की है तो उसमें माफ़ी मांगने में क्या वर्ज है माफ़ी तो मांग ही लेनी चाहिए कि ठीक है हमारी गलती हो गई आइंदा से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे बस हो गया इतने में क्या है उसमें क्या अपमान है जो गलती किया है उसके लिए तो माफ़ी मांगनी चाहिए तो क्या हो जाएगा विनम्रता आएगी कि अरे उसने गलती किया लेकिन उसने माफ़ी भी मांग ली तो उसको एक बार माफ़ कर देना चाहिए ये कभी नहीं भूलना इससे हमारे बहुत सारे दुख कम हो जाएंगे हम कभी हमारी गलती का स्वीकार ही नहीं करते हम सोचते कि हमने जो किया वही ठीक है वो ठीक नहीं है अगर एक बार प्रमाणित हो गया कि आपसे आज आप से गलती हो गई तो माफ़ी मांग लेना अपने मन के अंदर कुछ नहीं रखना ये दूसरा सूत्र है तीसरा और चौथा है बिना पूछे किसी को उपदेश न देना बहुत महत्व का है मित्रों बिना पूछे किसी को उपदेश नहीं देना आप कहेंगे कि ठीक है हमने किसी को उपदेश दिया तो क्या होगा किसी ने आपको पूछा नहीं है आपने अपने आप उपदेश दिया है उसके दो परिणाम हो गए आपका भी हित हो अहित होगा उसका भी अहित होगा दोनों का अहित होगा कैसे एक आपको उदाहरण देता हूँ समझो कि एक आदमी को कुछ प्रॉब्लम है लंग्स का प्रॉब्लम है फेफड़ों का प्रॉब्लम है उसने बोला है कि अरे भाई मुझे ब्रॉन्काइटिस है मुझे बहुत सास लगती है आपने उसको कहा, कहा उसने पूछा नहीं अपने आप हर रोज एक घंटा प्राणायाम करिए आपका सब ठीक हो जाएगा आपका जो दमा का बीमारी पूरा ठीक हो जाएगा हर रोज़ एक घंटा प्राणायाम करिए उस आदमी ने एक महीना एक एक घंटा एक एक प्राणायाम किया उसका दिमाग बिगड़ गया उस आदमी में एक घंटा प्राणायाम करने की शक्ति नहीं है वो दस मिनट से ज़्यादा प्राणायाम नहीं कर सकता उसका ब्रेन गर्म हो जाएगा वो पागल हो जाएगा अगर वो पागल हो गया तो उसको भी कष्ट और आपको बोलेगा कि आपने कैसा एडवाइस दिया हमको कैसा उपदेश दिया कि हमारा दिमाग बिगड़ गया हो गई ना हानि किसी के समझो छाती में दर्द है कोई भी कारण हो सकता है आप उसको बोल दिए कि अरे तुमको दर्द है क्या ठीक है दो एस्प्रिन टैबलेट खा लेना तुम ठीक हो जाओगे उस आदमी ने दो एस्प्रिन टैबलेट खा गए खा लिया तीन दिन खाता है चौथे दिन उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया मर गया क्योंकि उसका खून पतला हो गया खून पतला होने से ज़्यादा पतला होने से वो ब्रेन में चला गया और ब्रेन में जाके उसको स्ट्रोक कर दिया वो मर गया देखो आपने आपका भी अहित किया उसका भी अहित किया कि वो कितना प्रमाण में देना चाहिए एस्प्रिन इकोस्प्रिन आपको मालूम नहीं आपने तो बोल दिया लेकिन ब्लड अगर पतला होता है खून अगर ज़्यादा पतला होता है तो आदमी को स्ट्रोक भी हो सकता है कितने आदमी एस्प्रिन खा के मर गए इसलिए डॉक्टर ही जानता है कि कितने प्रमाण में देना है आप किसी को नहीं बोल सकते देखिए इसलिए और क्या होगा आपके बातों के ऊपर किसका विश्वास नहीं रहेगा कोई विश्वास नहीं रखेगा और आप सबको उपदेश देने लगे तो कोई आपकी बात भी नहीं सुनेगा आपके शब्दों को कोई महत्व नहीं रहेगा इसलिए कभी भी बिना पूछे और पूछने पर भी बोलना कि भाई मुझे मालूम नहीं तुम डॉक्टर का सलाह लो मैं नहीं आपको कुछ बोल सकता हम लोग खाली फुकट में लोगों को उपदेश देते हैं लेकिन उनके परिणाम उनको भी भोगने पड़ते हैं हमको भोगने पड़ते हैं इसलिए दुख हमारा बढ़ता है अगर दुख कम करना है जीवन में सुख चाहिए तो ये कभी नहीं करना ऐसी बातें और हमारा आखिरी पॉइंट है आज का स्वयं की समस्याओं का समाधान स्वयं ही निकालना स्वयं ही कर लेना अगर हमारे जीवन में कोई समस्या है तो उसका हल हमें खुद निकालना चाहिए उसका समाधान हमें खुद खुद निकालना चाहिए क्यों हमें हमें खुद निकालना चाहिए समझो आप अपने समस्या नहीं सुलझा सकते अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो क्या होगा आप जाओगे परमार्शदाता के पास जो सलाहकार होता है उसके पास आप जाओगे वो तुमसे पैसा लेगा उसके बाद में तुम जाओगे वकील के पास बीवी में औरत और, और बीवी में झगड़ा हो रहा है तो दोनों आप जो है पति पत्नी दोनों के बीच में झगड़ा है तो आप दोनों कहाँ जाएंगे वकील के पास जाएंगे उसका फी देना पड़ेगा और ये परामर्शदाता और ये वकील दोनों भी आपके समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते क्योंकि आप अपनी वास्तविक जो समस्या है वो नहीं बोलेंगे वो अंदर ही छुपा के रखेंगे आपको क्या समस्या है आप ही अच्छी तरह से जानते हैं और इसलिए आप ही समाधान निकाल सकते हैं आप दूसरों के पास जाओगे तो क्या करेंगे लोग पैसा तो निकालेंगे ही और आपकी समस्या का कभी समाधान नहीं करेंगे अगर आप खुद अपने समस्या का समाधान करना चाहते और चाह करना चाहते और करते तो आपकी चिंतन शक्ति बढ़ेगी आपको विचार करना पड़ेगा कि ये समस्याएँ उसके लिए कौन सा ठीक ठीक समाधान हो सकता है आप चिंतन करेंगे तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी आपका चिंतन बढ़ेगा और क्या होगा आपकी निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी आप डिसीजन ले सकेंगे अगर आप आप खुद की समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो इतना बड़ा भारत देश है आप भारत देश की समस्या का इससे समाधान करोगे स्वामी जी एक जगह कहते हैं माय होप लाइज इन द यंगर जनरेशन द मॉडर्न जनरेशन आउट ऑफ देम विल कम माय वर्कर्स दे विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया लाइक ए लॉयस स्वामी जी बोलते हैं कि मेरा जवानों के ऊपर नौजवानों के ऊपर तरुणों के ऊपर विश्वास है जो युवा है उनके ऊपर मेरा विश्वास है उनमें से ही मेरे कार्यकर्ते आएंगे और वो देश के सामने जितनी भी समस्याएं हैं वो सब समस्या को वो मिटा देंगे कि देश की समस्या मिटाने के लिए आपको कितना सामर्थ्य चाहिए अगर आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं तो देश की समस्या का भी समाधान आप ज़रूर निकाल सकते हैं आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी आपकी चिंतन शक्ति बढ़ेगी आपका पैसा बचेगा और कोई भी आपका समस्या का समाधान नहीं कर सकेगा आप ही कर सकते हैं इसलिए बैठकर सोचकर बात कर कर एक दूसरे को समझकर उसमें से मार्ग निकालिए और अपनी समस्या आप खुद ही समाधान निकालिए खुद ही उसका हल करिए तभी आपको शांति मिलेगी तो ये पाँच बातें हमने आज देखी है अगर इस पाँच बातों का हम हमारे जीवन में आचरण करने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारे दुःख हमारे जीवन से कम हो जाएंगे और हमें सुख प्राप्ति होगी उसके लिए तो हम सब प्रयत्न कर रहे हैं एक बार पढ़ लेते हैं वो पाँचों सूत्र और आज के हमारे चिंतन को विराम देते हैं अप्रिय सत्य सुनने पर भी विचलित न होना पहला है कोई कितने भी कष्ट दे उनके प्रति मन में द्वेष भाव न रखना दूसरा सूत्र है तीसरा है गलती होने पर माफ़ी अवश्य मांग लेना चौथा है बिना पूछे किसी को उपदेश या परामर्श न देना स्वयं 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 ही समस्याओं का समाधान स्वयं निकालना स्वयं की समस्याओं समस्याओं का समाधान स्वयं निकालना अपनी खुद की समस्या का समाधान खुद ही निकालना कि दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं एक आखिर में छोटा सा दोहा लिखा है वो आपको पढ़ के सुनाऊँगा और आज हम हाँ हमारे चिंतन को यहाँ विराम देंगे सुख दुख तो जीव के साथ ही कोई ना छूट पाए सुख से जीना सीख लो दुख भी सुख हो जाए श्रीकांता दुख भी सुख हो जाए सुख दुख तो जीव के साथ ही कोई ना छूट पाए सुख से जीना सिख लो प्यारे दुख भी सुख हो जाए श्रीकांता दुख भी सुख हो जाए नमस्कार धन्यवाद ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओं तस्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु